मेरा नाम जवाद शरीफ है और मैं बेसिकली एक फिल्म मेकर और प्रोड्यूसर हूँ। और आई हैव डन लाइक टू फीचर्स टिल नाउ। अभी जो मेरी रीसेंट फिल्म है, इट्स अबाउट इंडेंजर्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पाकिस्तान, इंडस ब्लूज़। तो एक मेरे पास वीडियो क्लिप आया जिसके अंदर कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, उनको जलाया जा रहा था। तो वो जब मैंने वो क्लिप देखा कि यार, और मैंने देखा कि ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है जिसमें तबला था, उसके अलावा हारमोनियम था और कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स थे, और उनको जलाया जा रहा था। तो वो मेरे लिए जो है ना, बड़ा शॉकिंग पॉइंट था। उस वक्त मुझे लगा कि भई मतलब व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन, अपने कल्चर को डिसओन क्यों कर रहे हैं इस तरह से। ये जो है वो दोनों तरह के जो है वो चैलेंजेस थे, उसमें टेक्निकल चैलेंजेस भी थे और उसमें वो शूटिंग के हवाले से भी जो है वो काफ़ी चैलेंजेस थे। हमारी जो कोशिश थी वो ये थी कि हर जो हमारा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है उसको हम उसकी लोकेशन पे जाके शूट करें, जहाँ से वो इंस्ट्रूमेंट, जहाँ से वो सांस निकला है और जहाँ से वो बिलोंग करता है। क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि ये सिर्फ़ एक साज़ ख़त्म नहीं हो जाएगा, इसके साथ पूरा एक सकाफ़त का जो हिस्सा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो वो जो कल्चर था उसको उस साज़ के साथ लिंक करना, उसको दिखाना बड़ा ज़रूरी था। तो उसके लिए हमने काफ़ी रिस्क भी लिए। हमने बलूचिस्तान में डेरा बुगटी में जा के शूट किया, हमने सुई के अंदर जो है वो उस्ताद सच्चू खान को शूट किया, जो कि बेसिकली सरोज प्लेयर हैं। अच्छा, बेसिकली जो ये नाम है इंडस ब्लूज़, इंडस जो है वो इस वजह से है कि हमने ये जितने इंस्ट्रूमेंट्स हमने शॉर्टलिस्ट किए थे, तो ये हमने अलोंग द रिवर इंडस, जो हमारा जो कल्चर है और जो हमारी जो सिविलाइजेशन है उसको लेके, जिस जिस जगह जो इंस्ट्रूमेंट था हमने उसको लेके जो है वो इसका नाम इंडस रखा। और ब्लूज़ जो है वो वैसे तो म्यूज़िक का जॉनरा भी है, लेकिन ब्लूज़ जो है वो इन अदर वर्ड्स जो है एक वो एक एक आपको ट्रेजिक फील में भी लेके जाता है कि अगर सुनाने वाले हों या दिखाने वाले हों तो हमारे पास जो है ना, किसी भी हवाले से जो है वो कहानियों की कमी नहीं है। जो चीज़ लैक कर रही है वो ये है कि हमारे यहाँ उस तरह के स्टोरी टेलर्स अभी आ नहीं रहे, हमारे यहाँ अभी उस तरह के फिल्म मेकर्स आ नहीं रहे। अभी जो ज़्यादा जो हमारी जो फिल्म मेकर्स हैं मार्केट के अंदर, वो बिल्कुल एक कमर्शियल माइंडसेट के साथ आ रहे हैं। तो वो कमर्शियल माइंडसेट के साथ जो है वो सिर्फ यही चीज़ देख रहे होते हैं कि क्या कौन सी फिल्म जो है वो सिनेमा में चलेगी या कौन सी फिल्म जो है वो बिज़नेस करेगी। हमें चाहिए कि उसके अंदर जो है हम बेसिकली जो है वो सोशल चेंज का जो एस्पेक्ट है वो उसके अंदर लेके आए। ऐसे फिल्म मेकर और ऐसे आर्टिस्ट, ये हर आर्टिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो है वो इस चीज़ को जो है वो अपने काम के ज़रिए जो है वो मासेस तक पहुँचाए। मेरे लिए जो है ना, फिल्म इज़ लाइक वेरी पर्सनल, और जो टॉपिक्स मैं चूज़ कर रहा होता हूँ दीज आर लाइक वेरी क्लोज टू मी। अब अगर इंडस ब्लूज़ वाली चीज़ के अंदर भी अगर आप आते हैं कि ये टॉपिक मतलब क्यों, और इसमें जो थोड़ा सा हो रहा है कि कि मैं काफ़ी जो है काउंटर नैरेटिव लेके आ रहा हूँ और उसके साथ साथ जो है काफ़ी रेजिस्टेंस है नैरेटिव के अंदर, उसकी वजह ये है कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर काफ़ी रेजिस्टेंस फील की है। मतलब मैंने अपने घर से लेके और अपना जो मेरा माशरा है, जो सोसाइटी है, उसमें मैंने काफ़ी रेजिस्टेंस फील की है यहाँ तक पहुँचते हुए। और वो रेजिस्टेंस किस तरह की थी, वो रेजिस्टेंस इसी तरह की थी कि कोई अच्छा काम करो, ये जो तुम काम कर रहे हो ये ठीक काम नहीं है, मतलब उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है। जिस तरह मैं फिल्म के अंदर बात कर रहा हूँ कि मौसीकी की एक्सेप्टेंस नहीं है, एक जो आर्टिस्ट जिसने अपने फ़न को 30, 40, 50 साल दे दी हैं, उसके बाद भी उसकी सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है, उसको उसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, बल्कि रिस्पेक्ट की जगह उसको गालियाँ सुनने को मिल रही हैं और उसे कहा जा रहा है कि तुम कंजर हो, तुम मरासी हो और ये जो काम है ये तुम ठीक काम नहीं कर रहे हो। तो सेम गोज़ फॉर फिल्म मेकर्स।